यहाँ पे लाखों की संख्या में हजारों संगठन के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं देश के, और हमें उम्मीद है शायद सरकार इस बात को मानेगी। अगर ये नहीं मानती है सरकार तो हम लोग अगली बार रोड को भी जाम करेंगे और जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। धीरे धीरे लोग समझ में आ रही है बात, बीजेपी से भी उनका मुड़ रहा है और दूसरा जो है राम मंदिर की तरफ से भी उनका रुख हट रहा है ओबीसी समाज के लोगों का भी। भक्ति काल के नाम से इस दुनिया में, इस देश में अंधविश्वास को स्थापित करने का प्रोग्राम था उनका ये, लेकिन उस समय गुरु रविदास जी ने उनके ताबूज में, मनुवाद की अंधविश्वास के ताबूज में कील ठोकने का काम किया था, तो इसलिए वो लोग घबराए हुए हैं कि अगर यहाँ से रिसर्च करनी शुरू हो गई तो ये बात तो उनको पता चलेगी, तो उनकी प्लानिंग है ये, इसीलिए ये तोड़ा गया है। मंदिर तो और भी हैं लेकिन वो आस्था के साथ खिलवाड़ की गई है, क्योंकि रविदास जी ने बहुत बड़ा प्रहार किया था मनुवाद के ऊपर, अंधविश्वास के ऊपर। क्या मांगे हैं और सरकार से किस बात की नाराजगी है? ये अभी पिछली 9 तारीख को केंद्र सरकार ने अपनी ताकत का मिसयूज़ करके और नाम लेकर के सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने हमारे 600 वर्ष पुराने गुरु रविदास जी के मंदिर को तुगलकाबाद के को तोड़ा है। उसके एवज में हमारी ये यहाँ पर रोष प्रदर्शन है और हमारी ये मांग है कि उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए जो तोड़ा है उसको, क्योंकि संविधान में भी ये प्रोविजंस हैं किसी का धार्मिक स्थल जो किसी की आस्था को ठेस पहुँचाता है मेजोरिटी में उसको नहीं तोड़ा जाएगा, चाहे कोई विकास का मामला हो चाहे कोई रोड का मामला हो, ये संवैधानिक प्रोविज़न भी है। और उसके तहत आप लोग जानते भी हैं कि अगर कोई रोड पे कोई मंदिर आता है तो ये लोग कोई शिव का या किसी का मंदिर आता है राम का तो रोड को मोड़ देते हैं, क्योंकि वो संवैधानिक दायरे के तहत ही मोड़ते हैं, तो उसी दायरे के तहत हमारा रविदास मंदिर भी आता है। तो हमारी सरकार से मांग है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, उसको वहीं पर फिर से इंस्टॉल किया जाए, फिर से उसको बनाया जाए, ये हमारी मांग है। यहाँ पर लाखों की संख्या में हजारों संगठन के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं देश के, और हमें उम्मीद है शायद सरकार इस बात को मानेगी। अगर ये नहीं मानती है सरकार तो हम लोग अगली बार रोड को भी जाम करेंगे और जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। अच्छा, करोल बाग में एक बड़ा सा हनुमान मंदिर है, वो ज़्यादा कंजेस्टेड इलाके में है या तुगलकाबाद, कौन सा है जो रिहायशी इलाके को, विकास को ज़्यादा बाधित कर रहा था कंपेरेटिवली देख सकते हैं? देखिए, कंपेरेटिवली आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, करोल बाग में जो हनुमान मंदिर है वो बिल्कुल रोड पर ही स्थापित है, और जो हमारा जो मंदिर था, जो गुरु रविदास जी का जो मंदिर था वो बिल्कुल अलग था, वो सिकंदर लोधी जी ने गुरु रविदास जी की वाणी से प्रभावित होकर के उनको गिफ्ट किया था, उनके रहने के लिए भी किया था। वहाँ पर वहाँ जब वो गुजरते थे रविदास जी तो वहाँ पर अपने प्रवचन देते थे और वहाँ से उनका मूवमेंट चलता था सामाजिक परिवर्तन का, तो वो तो बिल्कुल सेपरेट है जो गुरु रविदास जी का है, वो कंजस्टेड है लेकिन उसके बारे में वो कुछ नहीं सोच रहे हैं। ऐसे लाखों उदाहरण इस देश में हैं, तो ऐसा हमें लगता है कि उनकी मानसिकता गलत है। ये आपने सही पूछा। अभी पिछले कुछ सालों में देखा गया कि बहुजन समाज का एक बड़ा धड़ा इस्तेमाल होता है राम मंदिर के नाम पर, अयोध्या भेजा जाता है वो मंदिर निर्माण के लिए, उसके पोस्टर बॉय बनाया जाता है। दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि जब एक दलितों पिछड़ों के आइकन माने जाने वाले गुरु रविदास जी की जब मंदिर तोड़ी गई है तो सिर्फ दलित समाज, पिछड़े समाज के लोग ही आकर के उस मुखरता के साथ बोल रहे हैं, तो क्या ये वक्त आ गया है उस लोगों को भेद कर लेने का कि उनके मंदिर का हित किधर है? क्या आरएसएस बीजेपी वाले मंदिर निर्माण में दलितों पिछड़ों का हित नहीं है क्या? देखिए, ये बात जायज़ है लेकिन ये अज्ञानता की वजह से है। धीरे धीरे ओबीसी समाज के लोग भी, यहाँ पे काफ़ी ओबीसी समाज के लोग मुझे मिले हैं यादव समाज में से, तो आ रहे हैं धीरे धीरे। ये मूवमेंट की हमारी थोड़ी प्रॉब्लम रही है, अगर आप इसका हथियार उठाएंगे, जब ये ओबीसी समाज के लोगों ने चलाया तो एससी समाज के लोगों ने साथ नहीं दिया था, जब ये एससी समाज के लोगों ने चलाया था तो ओबीसी ने नहीं साथ दिया था, लेकिन आज की डेट में मान्यवर साहब कांशीराम जी के बाद में ये दोनों एक साथ मिलने लगे हैं, ऐसा आभास है। लोग सभी समाज के लोग आ रहे हैं, जैसे सभी वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में हैं और ओबीसी समाज में यादव समाज से भी हैं, तो इस प्रकार से लोग तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस उम्मीद से बढ़ने चाहिए थे उस उम्मीद से नहीं बढ़ पाए हैं, उसी का मिसयूज़ वो लोग कर रहे हैं, हमारी इस फूट का लाभ वो लोग उठा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे लोग समझ में आ रही है बात, बीजेपी से भी उनका मुड़ रहा है और दूसरा जो है राम मंदिर की तरफ से भी उनका रुख हट रहा है ओबीसी समाज के लोगों का भी। अच्छा, क्या लगता है कि रविदास जी जैसे गुरुओं की जो वाणी होती है, जो उनकी बातें होती हैं, वो जिस तरह से ब्राह्मणवाद पे चोट करती है, उससे आरएसएस बीजेपी को कोई खतरा लग रहा है क्या? हाँ, वो कोई हिडन एजेंडा है क्या? हाँ हाँ, हिडन, ये बहुत बड़ा प्रहार है। अगर आप इसको देखेंगे, इतिहास में जाएंगे, तो ये जो हिंदी जो सिस्टम चला है ये 4 कालों में चला है, आदिकाल, मध्यकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल। तो ये भक्ति काल का जो दौर था
उस समय इन लोगों ने भक्ति काल के माध्यम भक्ति काल के नाम से इस दुनिया में इस देश में अंधविश्वास को स्थापित करने का प्रोग्राम था उनका ये। लेकिन उस समय गुरु रविदास जी ने उनके ताबूज में मनुवाद की अंधविश्वास के ताबूज में कील ठोकने का काम किया था, तो इसलिए वो लोग घबराए हुए हैं कि अगर यहाँ से रिसर्च करनी शुरू हो गई तो ये बात तो उनको पता चलेगी। तो उनकी प्लानिंग है ये, इसीलिए ये तोड़ा गया है। मंदिर तो और भी हैं लेकिन वो आस्था के साथ खिलवाड़ की गई है, क्योंकि रविदास जी ने बहुत बड़ा प्रहार किया था मनुवाद के ऊपर, अंधविश्वास के ऊपर। मतलब ये आरएसएस के हिंदू राष्ट्र बनाने में बाधा आएंगे इनकी वाणी, इसलिए भी तोड़ा जा रहा है। हाँ, ये तो बाधा तो आएगी आएगी, लेकिन उम्मीद है वो सफल नहीं हो पाएंगे। अभी तो यहाँ पे लाखों की संख्या में पहुँचे हैं, मेरे को इतना विश्वास है, मैं पूरे देश में जो घूमता हूँ, हमारे सब लोग जो घूमते हैं, एक दिन ऐसा आएगा इस देश में दिल्ली के अंदर 1 करोड़ आदमी इकट्ठा होगा, जिसकी कभी कल्पना नहीं की होगी। क्योंकि जब कोई मूवमेंट चलता है तो ये रियलिटी है, वो परिवर्तन में तब्दील होता है। आप देख लीजिए, आज लाखों की संख्या में लोग पहुँचे हैं, जबकि किसी का आह्वान नहीं है। ये तो सभी सामाजिक संगठन के लोग अपनी अपनी स्वेच्छा से पहुँचे हैं। तो जब ये मूवमेंट आगे बढ़ेगा, ये बढ़ता ही रहेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि इस दिल्ली के अंदर 1 करोड़ लोगों से भी यहाँ पे लोग ऊपर पहुँचेंगे, तो उम्मीद है हम सफल होंगे। मूवमेंट कभी ख़राब नहीं जाएगा। एक आखिरी कमेंट, क्योंकि राजनीतिक बयानबाजियाँ चल रही हैं, तमाम चीज़ें हो रहा है, क्या समाज के लोग राजनेताओं से कुछ उम्मीद करें, और राजनेता में वो किनसे उम्मीद करें, अगर इस पर भी आप मुखरता से बोलना चाहें तो किनसे उम्मीद करें जो न्याय दिला सकते हैं? देखिए, अगर हम देखें, आप जो कहना चाह रहे हैं मैं भी समझ रहा हूँ। बहन जी ने कई बार स्टेटमेंट दिए हैं इस पर, बीजेपी को कई बार घेरा है, और बीजेपी के अरविंद केजरीवाल को भी घेरा है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि उनकी भी उसमें मिलीभगत है, तो उसके लेकर के अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी सफाई देने का प्रयास किया है, लेकिन बहन जी ने उसको खारिज भी किया है उसके बाद में। तो इसलिए पूरा देश जो है बहन जी की तरफ देखता है निगाह से, और बाकी यूथ लीडरशिप निकल के आ रही है धीरे धीरे, और अच्छा होगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। और पॉलिटिकल पार्टी तो बीएसपी ही संत रविदास जी के मूवमेंट को लेकर के चल रही है, तो समाज जो है वो बीएसपी की तरफ भी देखता है, बहन जी की तरफ भी देखता है।